बही मिले तेरा स्वागत है कुल की रानी। जो मांगो भी वही मिले तेरा स्वागत है कुल की रानी। तेरा स्वागत है कुल की रानी। जो मांगोगी वही मिले तेरा स्वागत है कुल की रानी। तन क्यों कर लाल बनाया, मेरी माँ तो राधे है तन क्यों कर लाल बनाया। हरे दुर्वासा का मंत्र कमर मने कारी ने अजमाया, कारी ने संतान जनी तन कुल के दाग लगाया। ओ कारी ने संतान जनी तन कुल के दाग लगाया। खुद बेटे जगह खाने। जो मांगोगी वही मिले तेरा स्वागत है कुल की रानी। बहुत अच्छे। खुश होकर के परम आदरणीय पंडित रमेश शर्मा जी मानकोल निवासी उनकी तरफ से 500 रुपए का मान सम्मान पुरस्कार हमारी टीम के लिए आया। बार बार धन्यवाद। चेतराम कौशिक जी शाहपुर कला उनकी तरफ से भी 100 रुपए का मान सम्मान पुरस्कार हमारी टीम के लिए आया। बार बार धन्यवाद। परम आदरणीय सुमित चौधरी जी बुलंदशहर, जी हाँ सुमित चौधरी जी बुलंदशहर उनकी तरफ से 500 रुपए का मान सम्मान पुरस्कार हमारी टीम के लिए आया है। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। आइए करण। हाँ। जिस वक्त तुम्हारा जन्म हुआ था, हाँ, उस वक्त मैं कवारी अवस्था में थी। अरे संसार से शर्म महसूस कर गई कि अगर सारा जमाना कहेगा कि कुंती ने कवारी अवस्था में एक पुत्र को जन्म दे दिया तो कहां पर जाकर अपना मुखड़ा दिखाऊंगी। इस कारणवश तुझे इस गंगा में बहा करके आ गई। संसार से शर्म को महसूस कर गई, अन्यथा तो तू मेरा ही पुत्र है करण, तू मेरा ही लाल है। हे महारानी कुंती, लेकिन उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। सूद पुत्र कह के सारी प्रजा ने धमकाया मुझे। आज्ञा बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे और सूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। मैं जानती हूँ, हाँ, किस दुर्योधन ने तेरा साथ दिया है। हर जगह तुझे अपमानित होने से बचाया है, लेकिन तू तो ये भली भांति जानता है कि दुर्योधन गलत है और आज तू उसके साथ युद्ध करना चाहता है। पहले मेरी बात को सुन ले करण। कहिए अपनी बात। सुनिए। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। बड़े ही समाज सेवी, बड़े ही दानवीर, हमारे क्षेत्र की आन बान शान कहे जाने वाले पंडित मूलचंद शर्मा जी, पंडित मूलचंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर समस्त
ग्राम बस्ती समस्त सरदारी की तरफ से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आए चलिए भेद दिया तने पैदा करके हत्यारी गुना गड़ा भेद दिया तने पैदा करके हत्यारी मेरा बाकी ममता सदा तड़फती तुझे करके याद पलकारी मन छत्राणी के जन्म लिया मन कहते सुतर नर नारी छत्राणी के जन्म लिया मन कहते सुतर नर नारी भूल हुई जो मुझसे भारी भूल हुई जो मुझसे भारी दे दुनिया की मानी अरे किस कारण आई साफ बता अब छोड़ो बात पुरानी जो मांगोगी वही मिले तेरा स्वागत है कुंती रानी माता कुंती ये राज जो आज आपने मेरे सामने खोला है वो तो ठीक है लेकिन अभी भी कोई ना कोई राज ऐसा है जो आप अपने अंदर दबा करके बैठी हो। आज ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे से आप लेने के लिए आई हो ये मैं साफ साफ जानना चाहता हूं। करण हाँ मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूं कि अगर तू तो युद्ध के मैदान में युद्ध ही लड़ना चाहता है तो उस दुर्योधन की तरफ से युद्ध मत कर। पांचों पांडव तेरे छोटे भाई हैं, अरे तू उनके साथ युद्ध लड़ और दुर्योधन के खिलाफ युद्ध कर, क्योंकि हर अनिरीति को वो दुर्योधन करता है जिसका तू साथी बन रहा है। ऐसा नहीं हो सकता महारानी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुझसे और तेरे बेटों से मेरी क्या जग में असनाई। ये दुर्योधन है मित्र मेरा, तू बाप चमन साहब भाई। अच्छा कुछ मांगने आई हो तो मांग सकती हो। अगर ऐसा है तो फिर तो मैं कुछ मांगना ही चाहती हूँ। कहिए अपनी बात, सुनिए मेरी कहिए। रहेंगे करण परण ना हारे, वो पांडवान तेरे पास रहेंगे करण परण ना हारे। हेरे तेरे छोटे भाई उनके सामी शस्त्र धारे, अर्जुन और करण में अरे अर्जुन और करण में जिंदा एक रहेगा थारे, वो अर्जुन और करण में जिंदा एक रहेगा। आज भाई का सर भाई तारे, भाई का सर भाई तारे, काबे अगर कहानी मैं रन में पीछे नहीं हटूं ऐसी परत क्या ठानी, जो मांगोगी वही मिले तेरा स्वागत है कुंती रानी। हो सकता है हाँ कि तुझे पांडवों से कोई मोह ना हो प्यार ना हो, लेकिन मैं अपनी नजरों के सामने अपने सारे पुत्रों को एक साथ कैसे लड़ने मरने दूं। अरे पांचों पांडव मेरे पुत्र हैं, साथ ही साथ तू भी तो मेरा पुत्र है, मैं किस तरह से तुम दोनों को आमी सामी देख पाऊंगी, इतना तो मुझे बता दे। हे महारानी
चाहे तो ये कर्ण शहीद हो जाए, चाहे वो अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो जाए, पुत्र तेरे तब भी पांच के पांच ही रहेंगे। लेकिन आज मैं इस युद्ध क्षेत्र से पीछे कदम नहीं हटा सकता महारानी, नहीं हटा सकता, बिल्कुल नहीं। कहिए अपनी बात को सुन ले कर, कहिए और इज्जत दी, मेरा है दुर्योधन भाई। वो राज दिया है, इज्जत दी, मेरा है दुर्योधन भाई। मेरा माँ के समी लड़ो आपस में, समय बड़ा दुखदाई। जो कुछ मांगा वही दिया, तेरी होगी मन की चाही। जो कुछ मांगा वही दिया, तेरी होगी मन की चाही। प्रीति को वीरों की महिमा रानी, जो मांगेगी वही मिले, तेरा स्वागत है कुंती रानी। तेरी माता आई दान मांगने, माता आई दान मांगने, सुनो कर्ण बेटा तारी। अरे जो मांगेगी वही मिले, तेरा स्वागत है कुंती रानी। जो मांगोगी वही मिले, तेरा स्वागत है कुंती रानी। अरे धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए, करण तुम्हारा भाई रहो, करण तुम्हारा भाई, मैं उसे समुंदर मानू हो, उसे समुंदर मानू हो। पछतावेगी, हाँ फिर पाछे पछतावेगी, जे एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। और सर्व गहन सा लग जागा, दिन की बदलेगी रात दिखे। हे राजपाट और बहु बेटों से तू धो बैठेगी, हाथ दिखे धो बैठेगी, हाथ दिखे। हे अपने हाथ अपने घर में, अपने हाथ अपने घर में, तू कर ले खड़ी तबाही। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, वनवास और एक साल का अज्ञातवास अगर मातेश्री आप इस राज को मुझे पहले बता देती तो कदापि मैं अपने पूरे परिवार को इस कष्ट से दूर कर देता, किसी भी प्रकार का कष्ट उनके ऊपर नहीं आने देता।
कैसे नंबर दो में कहता है, क्या कहता है। अरे पहले खुल जा भेद करियो हो, पहले खुल जा भेद करियो जाल रचान ना देता, अरे तेरे साल बनो में काटे मैं कष्ट उठाने ना देता, अरे अपने घर की लाज बहु दरबार में जाने ना देता, चाहे इंदर करता चाहे इंदर करता चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। समुंदर री 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 उसे समुंदर मानू हूँ ना जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर रे सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई है, करण तुम्हारा भाई। हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी गर्मी में हमारे समाज में हमारे परिवार को मान सम्मान देने के लिए पहुंचे, बार बार धन्यवाद। किस तरीके से नंबर तीन में बताया, क्या बताया। कुछ डोल के मंजिल तक आए, हाँ डोल के मंजिल तक आए वा डुले डुलाए रह जाएंगे, हृदय अंदर घाव घने वा छुले छुलाए रह जाएंगे, अरे बलवानों के जोर बाण में तुले तुलाए रह जाएंगे, हे तेरी बहू के तो तेरी बहू के तो केस जगत में ये खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे, हे तेरी भी यह मेरी भी हाथ तेरी भी मेरी भी कहिए करण तुम्हारा भाई है, करण तुम्हारा।
जट हो दुनियादारी के झंझट वह मान के झूठ बैठ जाएगा इज्जत और आबरो धन की सह के लूट बैठ जाएगा हे इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जाएगा फिर पता नहीं के लड्डन सिंह किस करवट उठे बैठ जागा है करवट उठ बैठ जागा ए हाथ जोड़ के अरज करूं हाँ हाथ जोड़ के अरज करूं मन्ना कुंती माई धर्म युधिष्ठिर सह मत कहिए समुंदर मानू क्या था जब करण बच्चा कट जाने से करण को शाबाशी क्यों रथ तीन कदम हट जाने से करण को शाबाशी क्यों रथ तीन कदम हट जाने से होगी रात अर्जुन इस रण में जब ये ढंग से फिर आगे क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन हो कदे मुख से दू मैं मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है ये अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद बहुत अच्छे कार्य नहीं किया जो आप उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो तेरी नजर में जरूर कोई कार्य नहीं किया लेकिन हमारी नजर में बहुत बड़ा कार्य कर दिया जो हम बार बार तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा हाँ मेरी बात को सुनिए सुनाइए
पर नहीं। शाबाशी की ध्वनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सापरे नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सापरे नहीं। थोड़ी सी सुनाओ सुन ले ओ, थोड़ी सी सुनाओ सुन ले। मान तो घटा गया करण पता नहीं खून रण में बाण को चटा गया करण। तीन कदम लोक हम पाछे ने हटा गया करण। तीन लोक तीन कदम पीछे ने हटा गया करण। हो बाण मारे थप हरे के जोश रे जोश रे बाण मारे थप हरे के जोश। होश नहीं करण तला के गास खारी मरूंगा बतला दो ये भेद। महाराज कृष्ण ये तो एक करण बली है। अगर ऐसे ऐसे 100 करण बली भी हो ना ये कुंती पुत्र अर्जुन उनसे बहकाने वाला नहीं है। एक के माने तो बेटा हवा खराब हो रही है सोन को मुकाबला कर रहे हो। अच्छा अब क्या बिल्कुल तोड़ कर दूंगा जो तेरे संशय भ्रम अहंकार सब कुछ दूर कर दूंगा। साफ साफ बेटे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पहले मेरी बात सुनिए और इस रागनी पे खुश होकर के परम आदरणीय विजय शर्मा जी शाहपुर कला से ₹101 दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। और ₹200 परम आदरणीय वेदपाल शर्मा जी शाहपुर कला से वो भी ₹200 दे रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडित गोवर्धन लाल जी ₹500 पहले और ₹500 फिर से दे रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और परम आदरणीय महेंद्र जी वो भी ₹100 दे रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब चीज का मौका होता है ज्ञानेंद्र। मैं रागड़ी गारामक बटे ज्ञानी हमारे श्रोता बैठे हुए पर कुछ मगो मान सम्मान हल्का हो रो समझ में ना आ रही दिखे। पर अब खर्चा शायद मास्टर जी अब लग रही है एक बात सबकी समझ में ठीक आ रही है। हम तो समझा दे बिल्कुल आइए। से नहीं डरूं तीन लोग पीछे हट गए बात कहा हृदय में धरूं। पिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। पिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। कह रहा है करण अर्जुन कह रहा कि ये तो करण मोहन 100 करणों से नहीं डरूं। तीन लोग पीछे हट के बात कहा हृदय में धरूं और दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। अगर गुरुजी आपका आदेश हो तो इसे दिखा दूं। एक बार ताली बजा का आशीर्वाद दे दो सभी कलाकारों को। अरे दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। हनुमान रथ की पुर्जी पे बल उसका बिधाड़े दिया। शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़े दिया। तीन लोग
मेरे भूख के अंदर फिर भू कृष्ण ने पार दिया। इन लोग मेरे भूख के अंदर भू कृष्ण ने पार दिया। हो देख के भूल गया ओ शान रे, ओ शान रे, देख के भूल गया ओ शान। पार गिरा कांपे गया तन भारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। बहुत अच्छे सब, आप तो वास्तव में अंतर्यामी हो। अच्छा, उस सृष्टि के रचयिता हो जो मेरी की जो आंखों पर जो अंधेरे की पट्टी बंधी हुई थी वास्तव में आपने आज खोल दी है। खोल दी। बिल्कुल ठीक। अब तो कुछ ना चाहिए, अब तो लड़ेगा। हाँ लड़ू ना हूँ कुछ कही था, मेरी जान बचाओ इस कर्णमली से। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं सब, मुझे यही तो दिक्कत है। जब लड़ने के लिए कहते तो पीछे के लिए रेत फेंक लेता। आइए माया का रचा दो प्रभु, भूलू ना एहसान जान मेरी कारण से बचा दो प्रभु, भूलू ना एहसान जान मेरी कारण से बचा दो प्रभु। हमारे बीच में जो समाज बैठी हुई है ना, इन्हें हम दादा कहर, जब इनसे कुछ लेना हो तो इनके पैर न पकड़े, जब कुछ पल्ले पड़े आशीर्वाद जब मिलता है तू बंदर की तरह कूद तो डोला, पहले सीधा चरणन में को आ जा, जब मिलेगा तो सोता चरणन में आगे महाराज। फिर क्या क्या, जब तक चरणन में नहीं आगा विधि नहीं बताऊंगा। रोशनी जचा दो प्रभु, जानते हो हाल जाल माया का रचा दो प्रभु, जानते हो हाल भूलू ना जान जान मेरी कारण से बचा दो प्रभु, बोलो ना जान जान मेरी कारण से बचा दो प्रभु। की होती राज बल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी, लंदन सिंह लड़े चारण में जीत तो धर्म की होगी, लंदन सिंह लड़े चारण में जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिंता ने मेटर, चित चिंता ने मेट भेद करे खड़े श्री कृष्ण राई, मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है ये अर्जुन को हारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। घर कुण बे यारे प्यारों को हो रे
चंद्रवती देवी माता जी छोड़ जगत पर लोक चली रे, छोड़ जगत पर लोक चली और घर कुण बे यारो प्यारो को, घर कुण बे यारो प्यारो को देख गहरा सोच चली। चंद्रवती देवी माता जी छोड़ जगत पर लोक चली हो, छोड़ जगत पर लोक चली। श्रद्धांजलि गीत पे खुश होकर के पंडित करतार शर्मा जी, पंडित करतार शर्मा जी वो भी 500 रुपए से दादाजी की दादी जी की श्रद्धांजलि पे खुश होकर के दे रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। पहली कली के माध्यम से के बताया बड़ा और मांद कोल में जन्म लिया ओ और मांद कोल में जन्म लिया रे सहापुर में ब्याही माता जी के दुख में व्याकुल यारी और असनाई बलराम शर्मा पति पकड़ गे आप सुरभ की राही और बेटा और बेटियों ने तन की सुध बुध बिसराई रे, तन की सुध बुध बिसराई भई जीवन भरे शुभ कर्म किए रे, जीवन भरे शुभ कर्म किए अरे उज्जवल माँ की कोख चली। चंद्रवती देवी माता जी छोड़ जगत पर लोक चली हो, छोड़ जगत पर लोक चली। जाता है संघर्ष का जीवन इनका रहा है, जो हमारी दादी चंद्रवती देवी पूरा जीवन संघर्ष में निकल गया। चार चार बेटियां हुई, उनके बाद एक बेटे ने जन्म लिया। आपके बीच में है रवन शर्मा जी, किस तरह से दूसरी कली के माध्यम से के बता बोला और चार बेटी एक बेटा, चार बेटी एक बेटा और कम से है बेहाल कहूँ बबली और बेबी देवी के दिल में तेरा ख्याल कहूँ कमलेश और मितलेश की ना डटे गमों की झाल कहूँ और बेटा रमन शर्मा की हुई रे रो रो आखे लाल कहूँ रे रो रो आखे लाल कहूँ और थारे बिने बेचैन सभी रे थारे बिने बेचैन सभी हमें कहाँ गमों में धोख चली। चंद्रवती देवी माता जी छोड़ जगत पर लोक चली हो, छोड़ जगत पर लोक चली ओ
ये छोटे से बच्चे मोहल वत्स जी समालखा से, समालखा से मोहल वत्स जी जो मानवती का पोता है, वो भी 500 रुपए से मान सम्मान श्रद्धांजलि गीत का कर रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगली कली में केल कबला और नीलम शर्मा बहु आज भी ओ और नीलम शर्मा बहु आज भी बाट आपकी जो होती है तेरी लाडली पोती प्रीति, तेरी लाडली पोती प्रीति सुबक सुबक के रोती है दिन रात आपकी याद सतावे नहीं चैन से सोती है। निशांत शर्मा विवेक अंकुर तेरे हृदय के मोती है, तेरे हृदय के मोती है और सुरग लोक में मिला ठिकाना, सुरग लोक में मिला ठिकाना छोड़ के मृत्यु लोक चली चंद्रवती देवी माता जी छोड़ जगत पर लोक चली है, छोड़ जगत पर लोक चली। और शिवदत्त शर्मा जी सतपुरा से, पंडित शिवदत्त शर्मा जी सतपुरा से, वो भी 500 रुपए से इस दादी के गीत के श्रद्धांजलि में खुश होकर के दे रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। लास्ट कली के माध्यम से क्या लिखा और के बताया, दादी की सबसे ज्यादा जो सेवा की थी उनकी जो लाडली पोती थी प्रीति, उसने सबसे ज्यादा सेवा दादी की। बेटों ने पोतों ने बहुत मान सम्मान और दादी की सेवा पानी की, जिसका आज उन्हें फल भी मिल रहा है। आइए लास्ट कली में के लिखे बला भाई एक दिन जाना पड़ता सबको, एक दिन जाना पड़ता सबको और रहना यहाँ हमेश नहीं और होनी आगे दुनिया में भाई चले किसी की पेश नहीं और मोहन बाबा बने सहायक रहे गमो का लेस नहीं सतीश घटाना गुरु ज्ञान से रे पढ़ के कोई विशेष नहीं रे, पढ़ के कोई विशेष नहीं कठिन धर्म की डगर होए रे, कठिन धर्म की डगर होए भई जनु सुई की ना चली चंद्रवती देवी माता जी छोड़ कर लोग चली है, लोग चली घर घर कुण पे चंद्रवती देवी माता जी छोड़ जगत पर लोक चली हो, छोड़ जगत पर लोक चली और तोड़ के चितौड़ जा तू मेरे काम को वो साथी विजय धाम को चितौड़ जा तू मेरे काम को वो साथी विजय धाम को। ओ
मुझ में सुविधा होगी और किले की सिखा पे बैठी सत्य शिला सीता होगी दरवाजे पे चोत सदन में रामायण और गीता होगी दरवाजे पे चोत सदन में रामायण और गीता होगी और नील कंठ कथलारे कल में नौ कंठों के पहरे होंगे और भवानी कथनी शंकर भैरवी के कहरे होंगे और व्यास जैमिनी नारद के चित योगासन में ठहरे होंगे व्यास जैमिनी नारद के चित योगासन में ठहरे होंगे भाई रुक जा रे रुक जा रे और पानछी और सरोवर में पानी पी फिर देख शाम को ओ साथी विजय धाम को भरत से मिलाप होगा पाली का वध लखन मूर्छा रावण से रण आप होगा और खंब फटा पहला द बच्चा सब तस्वीरों में साफ होगा खंब फटा पहला द बच्चा सब तस्वीरों में साफ होगा और विंध्याचल केला से गंगा जी की मूरत होगी यमुना जल में भारत माँ की साफ दिख की सूरत होगी और यहीं पे ठहर जा पंछी आगे ना जरूरत होगी यहीं पे ठहर जा पंछी आगे ना जरूरत होगी और झुक जा रे झुके जा रे और ओ पंछी भारती के पग सर धर ले राम नाम को ओ साथी विजय धाम को और के और परमादरणीय ललित कौशिक जी एडवोकेट श्रीमती पिंकी कौशिक सरपंच ग्राम पंचायत मांदकौल 500 रुपए से हमारी टीम का सम्मान कर रहे हैं उनका बार बार धन्यवाद करते हैं परम आदरणीय विजय शर्मा जी शाहपुर से वो भी 101 रुपए दे रहे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं परम आदरणीय मूलचंद शाहपुर से मूलचंद जी शाहपुर से वो भी 101 रुपए दे रहे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं परम आदरणीय सुभाष कौशिक जी वो भी 101 रुपए दे रहे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं और वेदपाल शर्मा जी वो भी 200 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आइए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेहरबानों अगली कली के माध्यम से महाराणा प्रताप पंछी को बताने लगे रे पंछी मेरे चित्तौड़गढ़ में जा और जाकर के खबर सुना दे कि जो सूर्य पूरी दुनिया को रोशनी देता है आज बादलों की छाया में छुप चुका है किस तरह से क्या कहता है भला गिर गया बागे सूरज हुया धुए ते अंधा हिमालय ने चगी आग और हार कहो तुम महाराणा की या भारत का सोया भागे हार कहो तुम महाराणा की या भारत का सोया भागे अरे दाएं बाएं हाथ काट के अचंबा है होंगे दूर एक गया बेरी
देवी के पक्ष में एक झुकिया न यही कसूर रांची है तेरी हार बतामा क्या कहते राणा मजबूर राजी है तेरी हार बतामा क्या कहते राणा मजबूर भाई समझारे समझारे अरे ओ पान जी अरे बलिवेदी पेचे तक चढ़ गया जीत लाम को ओ साथी विजय धाम को बहुत अच्छे मेहरबान लास्ट कली के माध्यम से महाराणा प्रताप न्यू कहने लगा रहे पंछी मेरे चित्तौड़गढ़ में जाकर के खबर सुना दे कि जब तक राणा प्रताप के शरीर में लहू की एक एक बूंद बची हुई है सौगंध है अपने माँ के दूध की लड़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा कभी रुकूंगा नहीं कभी झुकूंगा नहीं के बता वाला मैं गुलामी के बंधन तोड़ू गुलामी के बंधन तोड़ू बढ़ूंगा रुकूंगा नहीं बेरियों के सम्मुख तेरी कसम मां झुकूंगा नहीं और दीवा कर बादलों की छाया में झुकूंगा नहीं दीवा कर बादलों की छाया में झुकूंगा नहीं गुरु शरण दास के भारत मामले तेरे सतनों का पिया दूध और खून का खदकता कतरा सपत है चुकाऊ सूद गुलामी की दीवारों को दुआ दे मचाऊ कूद गुलामी की दीवारों को दुआ दे मचाऊ कूद भाई थम जा रे थम जा रे और ओ पंछी राम कहियो रहे मेरी सारे गाम को ओ साथी विजय धाम को उड़े जा रे उड़े जा रे ओ पंछी तोड़ के चितौड़ जा तू मेरे काम को ओ साथी विजय धाम को होरवत जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी रवत जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी महाराणा मेवाड़ी महाराणा मेवाड़ी रवत जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी रवत जंग हार गया महाराणा भाई जंग हार की खबर पड़ी राजधानी में और खून जाम काया का हो गया तरंग रही नवाणी में और दिन और रात कांत मेरा पीड़ा आग दिख रही पानी में दिन और रात कांत मेरा पीड़ा आग दिख रही पानी में जगे जगे हो गई टोलियां हर आपस में सला रहे और धीरे बोले सेठ काप के अकल के अंकड़ चला रहे और कोई कह सुल्तान सिर पे अपना झंडा हिला रहे कोई कह सुल्तान सिर पे अपना झंडा हिला रहे भाई लाठी लिए किसान फिरे रहे लाठी लिए किसान फिरे हार गया महाराणा मेवाड़ी रेवत जग हार गया महाराणा मेवाड़ी
मेहरबानों, जब इस तरह का माहौल बना हुआ है चारों तरफ, उसी नगर में एक नंद सेठ रहा करते हैं जिनकी यानी उम्र की बेटी है जिसका नाम है चंपा। चारों तरफ घूम रही है और कह रही है कि आवागमन संसार है, जो इस पृथ्वी पर आया है उसे जाना एक दिन जरूर है, लेकिन पराधीन होकर के नहीं जाएंगे। इस तरह से किए क्या बोला भाई नंद सेठ की लड़की चंपा, नंद सेठ की लड़की चंपा, बोली जवानों डरो नहीं, समय के बीते बच ना सकोगे, बिन आई के मरो नहीं, और तुम कहरी का जरा जब पछाड़ो पास भूल में चलो नहीं, वो तुम कहरी का जरा जब पछाड़ो भाई चारो खूट किले की रे बैठो, करो किले के बंद किवार, और मिट्टी चाटो मारे वाड़ की, खेलो जीवन से खिलवाड़, और जीते जी बढ़ जाए किले में, लड़ते सांप का डर है तो लाड़े, जीते जी बढ़ जाए किले में, लड़ते सांप का डर है तो लाड़े। और न्यू कह के वा सुता सेठ की, की सेना चढ़े आई हार गए राणा मैदान, और डर के हिम्मत हार न जाना, वीर बनावंगे भगवान, डर के हिम्मत हार न जाना, वीर बनावंगे भगवान। और हल्दी घाटी रण में थारा सिमट गया सिंदूर सुहाग, चिता बना लो दरवाजे पे सुलगा देव काठ में आग, मारो मुगल आग में रखू तो जो दामन में लगे ना दाग, मारो मुगल आग में कूदो जो दामन में लगे दाग। और गालो गीत उमंग में भर के, गालो गीत उमंग में भर के, पैरो जेवर साटी रे वंद जंग हार गया महाराणा, मेवाड़ी रे वो तो जंग हार गया महाराणा, मेवाड़ी ओ महाराणा मेवाड़ी, ओ महाराणा मेवाड़ी रे वो तो जंग हार गया महाराणा, मेवाड़ी रे वो तो जंग हार गया महाराणा मेवाड़ी। बहुत अच्छे हमारे बीच में बड़े ही समाज सेवी, बड़े ही दानवीर, कांग्रेस के बड़े ही उच्च कोटि के नेता हमारे भाई गिरीश भारद्वाज जी हमारे बीच में पहुंचे। उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं भाई हमारा भी बहुत ज्यादा मान सम्मान करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए, जोरदार ताली। आइए लाश कली के माध्यम से के बता बला लास्कली के माध्यम से बताया कि राज सामंत राज पुरोहित राज दरबार इकट्ठा होता है और योजना बनाई जाती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब अकबर की सेना आए और नगर को तहस रहस कर दे। राणा वंश की अंतिम निशानी अमर सिंह के रूप में है, क्यों ना भगवान के भरोसे रानी को और उनके बेटे अमर सिंह को किले से बाहर कर दिया जाए, शायद भगवान उन्हें बचा ले। परम आदरणीय गिरीश भारद्वाज जी, परम आदरणीय भाई गिरीश भारद्वाज जी, वो भी 1100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानों सभी दरबार लगाया जाता है,
और रानी और अमर सिंह को बाहर कर दिया जाता है। बताया जाता है कि उसी नगर में लुहारों के, जिन्हें हम भूबड़िया कहते हैं, 12 घर लोहारों के थे। उसी दिन महाराणा प्रताप का सगुन बोल करके अपनी गाड़ियों को जोड़ते हैं कि हम मर तो सकते हैं लेकिन पराधीन होकर के नहीं जिएंगे। किस तरह से क्या हवाला बनता है अंग्रेजी ने खेल खाला। भाई राज पुरोहित न्यू बोलिया रे, महारानी को और अमर सिंह को साथ में लेके छोड़ जाए राजधानी को। रहम करे भगवान बचा ले राणा वंश निशानी को, रहम करे भगवान बचा ले राणा वंश निशानी को। गुरु शरण दास जी तोड़े नगर में 12 घर थे राज लोहारे, पराधीन रहना नहीं चाहते कराई खट्टा सब परिवार। और महाराणा का सगुन बोल के होंगे तुरंत किले के बाहर, महाराणा का सगुन बोल के होंगे तुरंत किले के बाहर। और आज तलक रही घूम देश में, आज तलक रही घूम देश में भूबरिया की गाड़ी रावत जंग हार गया, महाराणा बेवाड़ी रेवत जंग हार गया, महाराणा बेवाड़ी महाराणा बेवाड़ी रेवत जंग हार गया, महाराणा बेवाड़ी रेवत जंग हार गया, महाराणा बेवाड़ी। फिर धर्म बगीचे सूख गए और पाप के पेड़ हरे हो गए, वही सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए, सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। धर्म बगीचे सूख गए, धर्म बगीचे सूख गए और पाप के पेड़ हरे हो गए, वही सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए, सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। पिता पुत्र ने काटे रहा, हाँ पिता पुत्र ने काटे रहा और भाई काट दिया भाई ने, पुत्र पिता ने काटे रहा सारे काटिया खास लुगाई, पुत्र पिता ने काटे रहा सारे काटिया खास लुगाई ने। कई बहन ने भाई कत्ल करे, हाँ बहन ने भाई कत्ल करे और ससुरा करे जवाई ने, पूपी न भतीजी पूपी न भतीजी मरवा दी धरती की कपट माई, पूपी न भतीजी मरवा दी धरती की कपट माई ने। कोई मार रहे निज ब्याही ने, हाँ मार रहे निज ब्याही ने, जने कितने और मरे होंगे, वही सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए, सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। जो हमारी उजीने से सरदारी आई है, उजीने से सरदारी आई है, उनके आने की खुशी में पंडित नानक चंद कौशिक जी, जिन्होंने 500 रुपए पहले
और 500 रुपए फिर इस रागनी पे खुश होकर के दे रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और परम आदरणीय भगवान सिंह जी सोतई से भारद्वाज साउंड सर्विस, जिन्होंने 101 रुपए पहले और 200 रुपए से फिर इस बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गया जमाना बदल देख लो, गया जमाना बदल देख लो, कैसे उल्टे ख्याल हुए, 60 साल की हो 60 साल की बुढ़िया के भी सर के काले बाल हुए, 60 साल की बुढ़िया के भी सर के काले बाल हुए, बुढ़े ने मुझे कई कहानी बालों पे खिंचावे कमाल हुए, हासिक और मां सुख बने ये भारत माँ के लाल हुए, हासिक और मां सुख बने ये भारत माँ के लाल हुए, भाई अब तो नेता मौज करे हैं हो अब तो नेता मौज करे हीरों ने दुख भरे होंगे, भाई सत्पुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े होंगे, सत्पुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े होंगे, कैसी उल्टी रीत चली हाँ कैसी उल्टी रीत चली, मानस ते मानस डरन लगे, भले आदमी की चुगली थाने में जाके करन लगे, भले आदमी की चुगली थाने में जाके करन लगे, दया धर्म का खोज रहा ना जेब नोट ते भरन लगे, सतगुरु श्री हर केस सुरत में जाते वो की शरण लगे, सतगुरु श्री हर केस सुरत में जाते वो की शरण लगे, धर्म वीर के बेहतरणी ते धर्म वीर के बेहतरणी ते सत्संग और परे होके, भाई सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े होगे, सतपुरुषों को झूठ बताते पापी चोर खड़े होगे, धर्म बगीचे सूखे गए, धर्म बगीचे सूखे गए, और